नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है। 19 अक्टूबर 2020 को भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे अबू धाबी में चेन्नई और राजस्थान की टीम के बीच मैच खेला जाएगा। जब ये मैच शुरू होगा तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में वृष लग्न होगा। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होगी, लग्नेश शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे यानी कि गोचर कर रहे होंगे, जबकि चंद्रमा सप्तम भाव में केतु के साथ होंगे। ग्रहों की यह स्थिति दर्शाती है कि मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह रहेगा। नाम राशि के हिसाब से ग्रहों का समर्थन दोनों ही टीमों को मध्यम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि भाग्य के बल पर इस मैच को नहीं जीता जा सकता। इस मैच में आपके काम आएगा आपका अनुभव, लेकिन कप्तान और उनकी टीम के मुख्य खिलाड़ियों की ग्रह दशाओं का आकलन करना भी बहुत जरूरी है। यदि पहले मैं राजस्थान टीम के कप्तान की बात करूं, तो उनकी जन्मतिथि और अनुमानिक जन्म समय के हिसाब से ग्रहों का समर्थन आज उनके पक्ष में थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन यदि महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की बात की जाए तो ग्रहों के समर्थन के बल पर आत्मविश्वास मजबूत होता दिख रहा है और ये खिलाड़ी मैच के परिणाम को बदल भी सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चेन्नई टीम के कप्तान की जन्मतिथि और अनुमानिक जन्म समय के हिसाब से ग्रहों का समर्थन आज पक्ष में दिख रहा है और साथ ही खिलाड़ियों की यदि बात की जाए तो उनके ग्रह भी आज मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। ये मैच रोमांचक रहने वाला है, लेकिन यदि एक टीम की बात की जाए तो इस मैच में चेन्नई की टीम ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है और हो सकता है कि यह टीम मैच के परिणाम को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो सकती है। हम जल्दी ही एक दूसरे मैच का पूर्वानुमान लेकर हाजिर होंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। घंटी का बटन जरूर दबाएं, इससे आने वाले मैचों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। नमस्कार।